अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मुमताज़ किचन एंड व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज हम बनाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी शेक्स। इजी सिंपल रेसिपी, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरीज को अलग कर लेंगे इसमें से, फिर इसके पीसेज जो से वो ऊपर से स्टैम्प से वो उतार लेंगे, ठीक है। तो जी इनको हमने साफ़ कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। सारी इसके स्टैम अच्छे तरीके से पहले आपने इन्हें धो लेना, क्योंकि बाजार से आपको पता है कि किस तरह की चीज़ें ऊपर सारा दिन डस्ट वगैरह मक्खियाँ वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके पीसेस कट करके डालेंगे। आप चाहें तो दो पीस कर सकते हैं, चाहे तो चार कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी। क्योंकि कुछ ग्राइंडर्स के आपको पता है ब्लेड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, कुछ के नॉर्मल होते हैं। तो इसी तरह हम इसे कट कर लेंगे। स्टाइल में आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि हमने इसको किस तरह कट करना है। कैमरा मैन पता नहीं किधर घूमा आज। तो जी इसकी हमने कटिंग कर चुके हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके अंदर शहद भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जिनको पेश करना था वो थे हमारे शुगर के मरीज़, तो इसलिए हमने सिर्फ उनके लिए एक चम्मच शहद इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा खट्टी है। तो शहद ऐड कर चुके हैं इसमें, तो अब इसी के अंदर साथ दूध और वो डाल देते हैं स्ट्रॉबेरी जो हमने कट की है। स्ट्रॉबेरी और दूध हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो अब इसे कर लेते हैं ग्राइंड। इसका ढक्कन हम बंद कर चुके हैं, अब इसे करते हैं ग्राइंड। ले जी हमारा शेक तो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला। बस मैं आपको इसका व्यू दिखाऊं एक। होप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ली, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो वॉच कर सकें। तो जी ये मैंने इसका एक स्लोमो कैप्चर किया था, मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं ये शेयर कर लूँ। तो जी शेक हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। परेशानी होना कि हमने ढक्कन उतार के आपको दिखा रहे हैं इसका व्यू। तो आप चाहें तो इसको दो तीन से चार मिनट फिर दोबारा से लगवा सकते हैं, क्योंकि नीचे वो स्ट्रॉबेरी वगैरह के कोई पीसेस ना पड़े। तो जी शेक हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसके करते हैं डेकोरेट। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ग्लास के किनारे के ऊपर दो स्ट्रॉबेरी के पीसेज ऐड कर दिए। इसको कट लगा के आप ही कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसके अंदर शेक ऐड करते हैं। आप चाहें तो इसकी स्टेम ऊपर से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्यारी लग रही है, आप भी रेशक रहने दीजिएगा। तो जी शेक हमारा रेडी हो चुका है। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।